मैं आप स्वागत करना चाहता हूँ भूमि पेडनेकर का। भूमि, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। आपने हेलो हेलो आपने तो सोशल मैसेजिंग पर बहुत सारी फिल्म्स की हैं। आपकी तो जी फिल्म भी देखी मैंने, टॉयलेट एक प्रेम कथा, जी और भी काफ़ी तमाम आपने फिल्में की हैं। ये जो एक इनिशिएटिव जी है, इतने सारे वर्कर्स हैं वो गरीबी में ढकेल दिए गए हैं लॉकडाउन की वजह से, लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड की या लाइव्स एंड लाइवलीहुड की एक बातचीत यहाँ पर चल रही है। हेल्थ केयर नहीं है उनके पास, घर नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है। आपको क्या लगता है कि एज अ टॉर्च बियरर, एज अ सिंबल ऑफ कम्युनिकेशन, सी सिनेमा इज अ वेरी पावरफुल कम्युनिकेशन टूल, व्हाट रोल डू यू थिंक यू हैव? Absolutely, sir. In fact, you know, it's very heartbreaking to see what is happening around us. And it has gotten all of us to think individually about how much can we give back to the society. You know, because through the years we keep talking, but now is the time to actually take action of all the things that we have been saying. You know, in fact, in my fraternity itself, more than 70% of the people working on a film set are daily wage workers. You know, they come from all across India, and I, along with a lot of my colleagues, have spent various sleepless nights just thinking about how is it going to happen. And you know, there's a great irony in there, because you know, by the end of it, yes, the world is at a major risk. You know, the pandemic has hit all of us equally, irrespective of what strata of the society you belong to. But the harsh truth is that there are people that are more vulnerable. You know, the harsh truth is that there are people that don't have access to so many basic needs. You know, we are stocking up our homes, you know, we are trying to make sure that we keep our families safe. But itne log hai jinke paas wo sahara hi nahi hai. You know, अगर आपकी रोज की आमदनी बंद हो जाए तो आप कैसे अपने फैमिली का ख्याल रखेंगे? इतने लोग हैं जिनमें ये नॉलेज नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो यही है जैसे आप कर रहे हैं, यू नो, यू अलोंग विद ऑक्सफैम, यू आर डूइंग दिस टेलीथॉन विच इज फैंटास्टिक, यू आर ट्राइंग टू रेज मनी। आई थिंक वी ऑल इंडिविजुअली आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। द आइडिया इज टू पुट बैक एज मच मनी इनटू द सिस्टम एज यू कैन इंडिविजुअली। यू नो, इंडिविजुअली आई हैव सर्टेन पावर्स, आई एम ट्राइंग टू एम्पावर द पीपल दैट आर इन माई इमीडिएट इकोसिस्टम, बिकॉज आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। यू नो, अलोंग विद ऑब्वियसली डोनेटिंग इन वट एवर इंस्टीट्यूशन you can. I think the biggest thing is, and this is a great power that we as actors have, is just reaching out to people, you know, educating people, letting them know ki matlab, and more than the working classes, I feel the educated classes need to know certain things that, you know, you कि आप राशन अपने घर पे आप कब्जा करके नहीं रख सकते। यू नो, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको मिल बांट के सबका साथ में ख्याल रखना है। यू नो, आपको आप जितना हो सके, यू नो, वी नीड टू को एग्जिस्ट विद पीपल, एंड इट रियली ब्रेक्स माय हार्ट, बिकॉज बाय द एंड ऑफ इट आई एम डूइंग एवरीथिंग आई कैन टू प्रोटेक्ट माय फैमिली एंड पीपल अराउंड मी, बट आई डोंट नो इफ इट्स इनफ। भूमि, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती थी, आपकी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, काफी सारी ऐसी फिल्में हैं जो फ्लोर पे होंगी, कुछ रिलीज होने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक चर्चा जो चल रही है वो ये भी है कि जैसे हम देख रहे हैं कि 30% सैलरी कट हमारे एमपीज ने लिया है, उस तरह से क्या जो बड़े स्टार्स हैं वो इंडस्ट्री को प्रॉप अप करने के लिए और उसमें आर्थिक संकट को सुधारने के लिए क्या इस तरह की चीज सोची जा सकती है? ओ, एब्सोल्युटली। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं ए पर्टिकुलर चीज पे कमिट कर पाऊंगी कि यू नो हम एक ऐसी चीज करेंगे, लेकिन मैं ये 100% कह सकती हूँ दैट हम एज अ फ्रटर्निटी ऑलरेडी बहुत चीज़ें सोच रहे हैं कि हम कैसे हमारे डेली वेज वर्कर्स को हेल्प करें, हम कैसे उन लोगों की मदद करें जो वल्नरेबल है। फॉर एग्जांपल, जिस कंपनी के साथ मैं हूँ, यशराज फिल्म्स, उन्होंने डायरेक्टली जितने भी एम्प्लॉयज या डेली वेज वर्कर्स या माइग्रेंट लेबरर्स थे जो उनके फिल्मों में काम करते हैं, जो यशराज के साथ काम करते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली पैसे जा चुके हैं। तो स्लोली एंड स्टेडिली, बिकॉज ये एक इतनी नई सिचुएशन है हम सब के लिए कि हम सब भी फिगर आउट करें, लेकिन ये मुझे, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि एक ऐसा टाइम है जहाँ पे मेरी पूरी इंडस्ट्री एक साथ आई है, बहुत सारे
फंड शुरू किए गए हैं, बहुत सारे गिल्ड्स हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स गिल्ड हो या यूनियंस हैं जो साथ आके सबसे अपील कर रही हैं. एंड यू सी बिग स्टार्स लाइक यू नो मिस्टर अक्षय कुमार, शाहरुख सर, ऑल द बिगर स्टार्स एंड ऑल्सो ऑल द न्यूअर एक्टर्स लाइक मी एंड माई कलीग्स, हम सब अपने वे में जो भी हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड या जी, थैंक यू सो मच भूमि. इसमें कोई शक नहीं है कि एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से.